नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में आज से डिजिटल एक्सरे सेवा का शुभारंभ किया गया। अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे सेवा शुरू होने से यहां इलाज कराने आए मरीजों को इसका काफी लाभ मिलेगा। अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में डिजिटल एक्सरे सेवा का उद्घाटन फीता काट कर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस एन झा ने किया। डिजिटल एक्सरे सेवा के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर एस एन झा ने कहा कि इस प्रकार की सेवा मिलने से लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि यह सेवा अस्पताल में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगी, जो बिल्कुल ही निशुल्क दी जाएगी। इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट भी समय से लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी डिजिटल एक्सरे के लिए लोगों को बाहर से 400 से लेकर 600 रुपया तक भुगतान करना होता था, जो अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में यह सेवा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इस उद्घाटन के अवसर पर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस एन झा के अलावा चिकित्सक डॉक्टर पी एन झा, स्वास्थ्य प्रबंधक बेनीपट्टी सुशील कश्यप, प्रधान लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ, बीसीएम रेखा झा, लेखपाल समिता कुमारी सहित अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से मोहम्मद फैजल की रिपोर्ट। स्टार्ट किया गया है, इसमें निःशुल्क सुविधा मिलेगी विद रिपोर्टिंग। जो भी बाहर से भी मरीज आते हैं उसका हॉस्पिटल में एंट्री हो जाएगा और उसको मुफ्त में एक्सरे किया जाएगा, रिपोर्टिंग किया जाएगा। और ये डिजिटल एक्सरे है जिसका बाहर का प्राइस लगभग 400 रुपया है, यहाँ मुफ्त सेवा हम लोग देंगे। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।